होगा अभी ये रिजर्व बैंक का एक इनिशिएटिव था स्कूल के बच्चों के लिए, खासतौर से सरकारी स्कूलों के, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए एक फाइनेंशियल लिटरेसी की अवेयरनेस क्रिएट करना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है बेसिकली कि आपको भी ये जानकारी, सभी को ये जानकारी है कि आजकल के दौर में एक वित्तीय साक्षरता या जिसे फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस देश में, जिससे लोग अपने फाइनेंसेस को अच्छी तरह से समझ सकें, उनमें अपनी जो भी उन्होंने अर्निंग की है उसको बढ़ा सकें, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसे सेफ, सुरक्षित तौर पर, जो डिजिटल बैंकिंग वगैरह का ज़माना चल रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक बार बड़े हो जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, हम सब लोग सीखते हैं, सिखाया जाता है उन्हें, लेकिन अगर बच्चों को स्कूल लेवल से ये चीज़ सिखाई जाएगी तो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम निकलेंगे आगे जा करके। सभी के, उनके खुद के हित में होगा, सोसाइटी के इंटरेस्ट में होगा और देश के हित में होगा। तो इसीलिए ये क्विज की शुरुआत की गई थी, और इसमें बड़े नीचे के लेवल से, ब्लॉक लेवल से हमने इसकी शुरुआत की। ब्लॉक लेवल पर हुआ इंडिया के हर स्टेट में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगला स्टेज हुआ, उसके बाद अगली स्टेज स्टेट लेवल पर हुई। तो ये अभी जो हम देख रहे थे, ये स्टेट लेवल के बाद का जोनल लेवल का क्विज था, जिसमें आपने देखा होगा नॉर्थ जोन के 5 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही 6 जोन्स में ये क्विज होनी है, और उसके बाद नेशनल लेवल राउंड इसका बॉम्बे में होगा। सर, अभी तक अनुभव कैसा रहा? अभी तक हम ये देख रहे हैं कि हमें इसमें स्कूलों से बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था क्योंकि इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स इन्वॉल्व थे, तो हर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया। बिना उनके सहयोग के, बिना उनकी सक्रिय सहयोग के, एक्टिव कोऑपरेशन जिसे कहते हैं, उसके बिना शायद ये सब पॉसिबल ना हो पाता। तो मतलब वी आर ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। और आपने खुद, जिन लोगों ने, मीडिया के लोग जो यहाँ मौजूद होंगे, उन्होंने देखा होगा बहुत अच्छी तरह से आयोजन हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले, ये पहला था ये सीरीज़ में, 5 और होंगे, हमें उम्मीद है कि ये 5 भी उतने ही अच्छे होंगे। जी, आपको लगता है कि जब आगे जाएंगे बाकी अदर स्टेट्स के साथ, उसके बाद रहेगा ये क्विज कॉम्पिटिशन, तो बच्चों को आई थिंक नेशनल लेवल तक जाने की और समझ, आई थिंक और भी जिज्ञासा होगी? तो होता क्या है कि जैसा कि मैंने बताया, हम हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक लेवल पे पहुँचे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे बच्चों को एक इंटरेस्ट ऑलरेडी जाग चुका होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं, और अब तो हम उसको और आगे ले जा रहे हैं, तो एक अवेयरनेस फैलेगी, उससे आगे जाने वाले समय में बच्चों को इस बारे में ज़्यादा जानने में इंटरेस्ट आएगा, ऐसा हमें उम्मीद है, और ऐसा होता लग रहा है। आपने देखा होगा ऑडियंस से भी बच्चों के जवाब आ रहे थे, तो वो ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।